हेलो नमस्कार काशी दिल्ली सत श्री अकाल सबको। मेरा नाम है तारा और मैं हूँ काठमांडू से। मैं दिल्ली की सड़कों पर घूमते हुए अगर आपको एक मोमो की दुकान दिखाई दे तो जरा रुककर सोचना, क्या ये दुकान किसी मॉडल ने खोली होगी? शायद नहीं। लेकिन आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने ग्लैमर की दुनिया में कई साल बिताने के बाद एक अलग राह चुनी और दिल्ली वासियों को मोमोज का स्वाद चखाने लगी। काठमांडू की रहने वाली तारा, जिसने दिल्ली की चमचमाती रैंप्स पर अपनी पहचान बनाई। 5 साल के मॉडलिंग करियर में तारा खुश थी, लेकिन दिल की संतुष्टि कहीं खो गई थी। तारा को बचपन से ही खाना बनाने का शौक था और उसे पता था कि एक दिन वो अपने इस सपने को पूरा करेगी। जैसे कि मैं मॉडलिंग फील्ड में थी तो कभी मैंने ये नहीं सोचा कि अच्छा जी यही काम करके मुझे इसी काम में स्टक होना है, यही चीज मेरे को लॉन्ग टाइम तक जाना है। बिकॉज कहते हैं ना, मॉडलिंग इज समथिंग लाइक जब तक आपकी ब्यूटी है तब तक आप चलते हैं। आपकी फेस, आपकी यू नो बॉडी अच्छी होनी चाहिए। एक एज में आके सब कुछ चेंज हो जाता है। एंड कहीं ना कहीं मेरे को शुरू से पहले से पता था कि लाइक मेरे को कुछ लाइफ में करना है अपना छोटा सा, तो हाँ खुद का बिजनेस लाइक खुद का काम, मेरे को छोटा सा कुछ भी काम हो। तो इसीलिए मतलब मोमो मामा जो है ये अभी मोमो मामा है, अभी मोमो मामा में हम लोग खड़े हैं। एंड कहते हैं ना, मतलब मेरे को ऐसा नहीं हूँ कि मतलब मुझे मॉडलिंग में स्टक होना है या अभी मोमो मामा किया तो उसमें स्टक होना है। अच्छी बात है, लाइफ में स्टेबल होना चाहिए, स्टक होना चाहिए एक चीज को लेकर। बट कहते हैं ना, थोड़ा सा एक बार जब बेस बन जाता है ना, देन यू नो व्हाट टू डू इन योर लाइफ, राइट? एक बार थोड़ा सा बेस बनने के लिए टाइम लगता है। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। अभी जैसे कि मैंने मॉडलिंग छोड़, मॉडलिंग की दुनिया को अलविदा कहने के बाद तारा ने अपने सपने की ओर कदम बढ़ाया। उसने दिल्ली के छतरपुर में अपनी पहली मोमो की दुकान खोली। उसने अपनी ब्रांच का नाम मोमो मामा रखा। तारा ने न सिर्फ अपने पार्टनर की मम्मी से मोमोज बनाना सीखा बल्कि उसे एक नए स्तर पर ले गई। आज उनके मोमोज की दुकान पर वेज, पनीर, तंदूरी और झोल मोमोज जैसी वैरायटी मिलती है, जिनकी कीमत मात्र 40 रुपए से शुरू होकर 200 रुपए तक जाती है। मुझे बनाना भी बहुत पसंद है सिंस द चाइल्डहुड, यस। लेकिन मैम आप मॉडलिंग की फील्ड में कैसे गए, मतलब उसमें बचपन से इंटरेस्ट था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को बचपन में मैंने कभी नहीं सोचा कि दैट मैं मॉडलिंग करूंगी, कभी नहीं सोचा था। बट कहते हैं ना, आपको डेस्टिनी, नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी। सो एक मतलब मेरा जैसे दिल्ली में काफी सारे रिलेटिव हैं एंड आई लव बीइंग हियर। फॉर मी लाइक बीइंग हियर इन दिल्ली इज लाइक इट फील्स लाइक होम। दिल्ली में है कुछ मैग्नेट वाली बात है मेरे लिए। तो जैसे कि मेरा काफी सारे फैमिली यहाँ पर रिलेटिव है जिनका यहीं पर शादी हुआ है, किसी का पंजाब में शादी हुआ है, किसी का यहाँ पर प्रॉपर जट के साथ शादी हुआ है। तो मतलब मैं ना आते जाते रहती थी। तो जैसे होता है फैमिली का, चलो जी कॉमन फ्रेंड्स कुछ डिजाइनर लोग, तो ऐसे घर पे मतलब डिनर पार्टी में हम लोग मिल गए। एंड देन सडनली ऐसे मेरे को मतलब अपॉर्चुनिटी मिल गया, लाइक आई फील सो ब्लेस, है ना? क्योंकि हर किसी का किस्मत ऐसे नहीं होते हैं मॉडलिंग फील्ड में। इट्स अ वेरी यू नो डिफरेंट वर्ल्ड, बहुत डिफरेंट होते हैं। सो मुझे तो पता भी नहीं था, एकदम से अचानक दे सेड कि चलो जी डिनर प्लानिंग है, अच्छा तारा वी लाइक योर फेस एंड वी वॉन्ट टू शूट विद यू। मुझे तो शूट के बारे में चलो जी कुछ पता ही नहीं है, लेकिन चलो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं परफेक्ट हूँ तो शायद हो सकता है मेरे में कुछ बात है। देन व्हाट हैपन इज लाइक आई स्टार्टेड शूटिंग। तो ऐसे करते करते मेरा जो है शुरू हुआ था आपका मॉडलिंग का? मेरा शुरू हुआ था 2017। हाँ जी, कितने साल मॉडलिंग कर रहे हो? मैंने मॉडलिंग मैंने किया है 5 ईयर्स पूरा। हाँ जी, 5 साल मैंने मॉडलिंग करी है। सो बेसिकली मैंने सबसे ज्यादा मैंने रैंप में किया है, रैंप वॉक और जैसे प्रिंट मॉडल, जैसे मोस्टली मैंने जो है ना एथनिक वेयर का बहुत ज्यादा शूट करा है। सो बेसिकली क्या हुआ था ना, मुझे फूडी तो मैं बचपन से ही हूँ, राइट? और मोमो का ये चीज मेरे प्लान इसलिए आया है कि लाइक सिक्किम में हमारी आंटी है जो मेरे मोमो मामा का पार्टनर जो है, उनका जो मम्मा है, उनका मम्मा ने 32 ईयर्स पहले स्टार्ट किया था मोमो का, मतलब ये जो बिजनेस है। हाँ जी, बेसिकली ये मेरे बिजनेस पार्टनर का फैमिली बिजनेस है। एंड मैं हमेशा सिक्किम में जाती रहती थी, जब भी मैं जाती थी मैं हमेशा मतलब मोमो 1 से 1.5 प्लेट तो खा जाती थी, वो भी अलग अलग, क्योंकि सिक्किम में तो हमारे सारे वेज ही मिलते हैं, नॉन वेज नहीं मिलते हैं। बिकॉज जो मेरा पार्टनर है वो लोग पूरा प्रॉपर ब्राह्मण फैमिली से हो गया, तो यहाँ पर लेकिन दिल्ली में तो चॉइस रखना ही पड़ता है ना क्लाइंट के हिसाब से। तो आंटी के पास मैं बहुत ज़्यादा मतलब मोमो खाना, और मेरे को शौकीन है खाने का, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मोमो ही पसंद है मुझे, मुझे और भी खाना पसंद है, जैसे इंडियन कुजीन हो गया, कभी जापानीज खा लेती हूँ, कभी कोरियन, तो फूडी तो मैं हुई बचपन से। एंड मैंने मोमो का इसलिए सोचा कि मोमो इज समथिंग लाइक इट्स अ इजी फूड गाइस,
बहुत इजी है, मतलब बनाने में ज्यादा झमेला भी नहीं है। किसी को अगर क्विक वाला, आपको कहते हैं ना एक इवनिंग स्नैक्स या फिर डे में आपको भूख लग रहा है, आपको ज्यादा वेट नहीं करना है, तो क्विक फूड। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मैं कुछ ऐसे क्विक वाला चीजें से खोल के अभी स्टार्ट करूं, एंड देन आगे अगर जाके मोमो अच्छा बूम होता है, अगर आप सब लोगों के आशीर्वाद रहे, आप सब लोगों का प्यार बना रहे, सपोर्ट रहे, तो आई एम श्योर मैं इसमें और भी चीजें वैरायटीज ऐड करूंगी। हमारे पास 6 से 7 टाइप का अलग अलग वैरायटीज है। वेरिएंट हमारे पास 2 है, जैसे कि वेज हो गया, सॉरी 4 वेज, पनीर, चिकन है, नॉन वेज और मटन है हमारे पास। 40 रुपीज का हाफ प्लेट है, हाफ में जो कि 5 पीस होते हैं, एंड जो 70 रुपीज उसमें 10 पीसेस होंगे। तो अगली बार जब आप दिल्ली में घूम रहे हो, तारा के मोमोज का स्वाद चखना न भूले। ये सिर्फ एक मोमो की दुकान नहीं बल्कि एक सपने की कहानी है जो हर मोमो के साथ जीने का नया मजा देती है। लोकल 18 के लिए दिल्ली से रिया पांडे की रिपोर्ट।